हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। एक दिलचस्प खबर आपके लिए लेकर आया हूं। बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा है ये उससे जुड़ी है और बड़ी दिलचस्प खबर ये। अगर आपने एक कहावत सुनी हो कि नमाज पढ़ने गए थे और रोजे गले पड़ गए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवादित ढांचा है वहाँ पर एक संगठन ने नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी। रायबरेली में अल रहमान के नाम से 2017 में एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ है, उसके जो शरीफ थे वो पहुँचे लखनऊ हाईकोर्ट की जो बेंच है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच है लखनऊ में, वहाँ पर उन्होंने एक याचिका दायर की। वो याचिका ये दायर की कि जब 2010 में तीन जजों की जो हाईकोर्ट की बेंच थी उसने फैसला सुनाया था कि ये जो तीन लोगों को, तीन संगठनों को जो ज़मीन बांटी गई उस हाईकोर्ट के फैसले में, तो एक हिस्सा मुसलमानों का है और उस हिस्से में हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। हाईकोर्ट ने ना केवल उन्हें डांटा, कोर्ट का जो वक्त बर्बाद करने का आरोप लगाया और ये कहा कि आप पर 5,00,000 रुपये जुर्माना किया जाता है क्योंकि आपने कोर्ट का वक्त बर्बाद किया। काफ़ी दिलचस्प मामला, मैं आपको बता दूं 2010 में जो एसयू खान, डीवी शर्मा और सुधीर अग्रवाल, तीन जो हाई कोर्ट के जजेज की बेंच थी, उन्होंने एक फैसला सुनाया था 30 सितंबर 2010 में कि कैसे रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, इन तीन जो पार्टी है, इन तीनों को इस जो विवादित ज़मीन है इसको उन्हें दे दिया जाए, तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। इसके खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड और बाकी पार्टियां भी बाद में सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाने का फरमान सुनाया और वो जनवरी में कहा जा रहा है कि उसकी सुनवाई होनी है, केस अभी चल रहा है। तो ऐसे में कोई आता है और उस हिस्से में जो तीसरा हिस्सा बताया गया वहाँ पर अगर नमाज पढ़ने की बात करता है तो कोर्ट को नागवार गुजरना ही था। जो अधिवक्ता थे सरकार की तरफ से ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि कैसे ये ट्रस्ट नया नया खुला है इसलिए लाइमलाइट में आने के लिए सब कर रहा है और इसने कोर्ट का वक्त जाया किया है और इसको हाई कोर्ट ने सही माना और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने काफ़ी तल्ख शब्दों में ये कहा कि इनको कोर्ट का जो वक्त है बर्बाद करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती और ऐसी फालतू की याचिकाएँ दायर करने के लिए इनसे 5,00,000 रुपये जुर्माना लगाया जाए और बाकायदा अयोध्या के DM को कहा है कि उनसे सख्ती से ये जुर्माना वसूला जाए। तो ये बड़ी दिलचस्प खबर थी और जब भी अब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की आगे सुनवाई होगी आपको ज़रूर बताएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।